हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? और उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा जो सिंगल फेस या 30 कंप्रेसर होता है उसको 3 फेस में कन्वर्ट कैसे किया जाता है। मैं उसके पूरा वायरिंग बताऊंगा और जो सिंगल फेस का वो जो रिले और रनिंग कैपेसिटर और स्टार्टिंग कैपेसिटर लगा हुआ है पूरा मैं दिखाऊंगा और उसको उधेर के फिर जाके सिंगल फेस का उस पर वायरिंग करूंगा। ये पूरा आप लोग विस्तार से देखिए। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को लाइक भी कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी जो वीडियो है वो सबसे पहले आपको पता चला जाए। ये देखिए सिंगल फेस CR30 कंप्रेसर का जो वायरिंग है ये है, जो एक रिले लगा हुआ है और एक कंटेटर लगा हुआ है और ये है आपका रनिंग कैपेसिटर है 50 का और ये 100-120 का स्टार्टिंग कैपेसिटर है। और ये देखिए ये जो 3 फेस का है तो 2 फेस को यहाँ पे डेड करके रखे हुआ है और जो न्यूट्रल और फेस इस यूनिट में ला कर लगा रखे हैं। अब हम आप लोगों को इसको दोबारा से 3 फेस वायरिंग करके दिखाएंगे जो आप लोग इस वीडियो के साथ में बने रहे। 3 फेस CR30 के CM कंप्रेसर लगेगा और ये जो वायरिंग थी मैं पूरा उधेड़ दिया हूँ। अब इसमें करेंगे ये देखो 3 फेस जो है ये सप्लाई आ चुका है। मैं आपको चेक करा देता हूँ। ये देखिए ये जो नीला वाला है ये है न्यूट्रल, इसमें लाइट नहीं जलेगा। और ये है पहला फेस, ये है दूसरा फेस और ये है तीसरा फेस। तो हम लगाएंगे इसमें जो हम ड्रायर ये चेंज कर चुके हैं, ये ड्रायर लगता है ठीक है। और ये कंप्रेसर है ये हम लगाएंगे अब। तो हमारे वीडियो के साथ में आप बने रहें, अभी और भी आगे करके ये कंप्रेसर लगाने के बाद फिर वायरिंग आपको दिखाएंगे। तो अब देखिए आप लोग ये जो है 3 फेस का जो है वायरिंग हो गया। अब हम जो ये फिरोजी कलर का जो ये बॉक्स लगा हुआ है ये है 3 फेस प्रोवाइडर ठीक है। जो आप देख रहे हैं 1, 2, 3 जो 3 नंबर तक है वो तीनों फेस है RYB और जो 2 वाइट कलर का आपको दिख रहा है ये है CP का ठीक है। यानी इसमें अगर हम तीनों फेस प्रॉपर देंगे तो ये जो लाइट जल रही है, जो लाइट आपको दिख रही है यहाँ पे, ये जो LED आपको दिख रही है ये जलना चालू हो जाएगा। तो अभी हमने क्या किया है कि एक फेस इसका निकाल दिया है तो देखिए ये लाइट जल के बंद हो गया। अब दोबारा हम इसमें तीनों फेस लगाएंगे और इसको चला के देखेंगे ठीक है, फिर मैं आगे बताता हूँ आप लोगों को। अब देखिए ये प्रॉपर तरीके से जो 3 फेस इसको सप्लाई मिल गया है तो ये जो LED है अब ये जलना चालू हो गया है। शायद आप लोगों को दिखेगा कि नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं दिखाने का। देखिए जल रहा है दूर से, इसमें जो ऑलरेडी लाइट है इसलिए आप लोगों को पता नहीं चलेगा। अब देखिए अब पता चलेगा शायद, जो रेड लाइट है वो जल रहा है ठीक है। अब इसका कंप्रेसर ऑन होगा, हम इसमें 50 का स्टैंडिंग 40 का करीबन छोड़ रखे हैं ठीक है। और आप लोग को दिखा देता हूँ कि जो अंदर का इनडोर है ये चल रहा है, वो बोर ले रहा है ठीक है। ये देखिए आपको LED दिखा होगा जो उसमें जल रहा है और मैं आगे बताता हूँ आप लोगों को। आप लोग देख सकते हैं कि ये जो कंप्रेसर जो हम लगा रहे थे कंप्लीट हो गया है और हमने गैस चार्जिंग भी कर दिया है जो आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। ये 60 का प्रेशर चल रहा है और लमसम रिटर्न भी बढ़िया आ गया हुआ है। और आपको मैं एम्पियर चेक करा देता हूँ। एक जो पहला फेस है इसमें ले रहा है 3.7 ठीक है। और जो मैं दूसरा फेस में लगा रहा हूँ इसमें ले रहा है 2.93 ठीक है। और जो तीसरा फेस है मैं इसमें लगा रहा हूँ, सॉरी ये फेस नहीं है, फेस ये है तीसरा
यहाँ पे है, तो इसमें ले रहा है 2.89। ठीक है, तो ये तीनों फेस में आपको मैं एम्पियर चेक करा दिया हूँ, जो ये दो और ये तीनों फेस है, ये तीनों वायर हैं और ये न्यूट्रल हो गया और ये विंड कंट्रोल का वजह कंट्रोलर को जा रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग को अब आप लोगों को मैं इंडोर जो अंदर का जो कंट्रोलर है वो दिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। तो अब ये देखो हम आ रखे हैं यहाँ पे कॉल रूम में नीचे, जहाँ पे ये 16.3 हो गया हुआ है टेम्परेचर। और जैसा कि मैं आप लोगों को एक दूसरा वीडियो में दिखाया था कि ये अंदर का सीन है और कूलिंग हो रही है। ठीक है, तो आप लोगों से मैं चाहता हूँ अब अलविदा, आप मिलेंगे दूसरों वीडियो के साथ में। और आप लोग मेरे वीडियो को शेयर लाइक और सब्सक्राइब भी कर दिया करें। ओके, धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।